अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं क्या कर रही हूँ, यही सब लोग आप भी करते हो, कैमरा ऊपर रख के कि थोड़े से स्लिम आ जाए, थोड़ा सा पेट अंदर दिखे, थोड़े से चिक बोन हाईलाइट करे, और इसके लिए ढेर सारा मेकअप लगाते हो। लेकिन एक्सरसाइज करना किसी को पसंद नहीं। डेली डेली ईशा इतनी वीडियोस बनाती है आपके लिए, लिखते भी हो लाइक, अच्छा वीडियो बनाया है ईशा, तुम अच्छी दिख रही हो, तुम्हारा बताना बहुत अच्छा है, लेकिन उसको फॉलो करना क्यों भूल जाते हैं? कैमरे को ऐसे करके फोटो पोस्ट करना सीखो, ना कि ऐसे करके, ताकि हम लोग पतले नजर आए। नेचुरली अपनी बॉडी को टोन करो। टोन कैसे होगी? वीडियो देखने से नहीं होगी, मेरे साथ डेली आपको एक्सरसाइज करनी होगी। मेरे चैनल पर ऑलरेडी इतनी सारी वीडियोस हैं, आप लोगों के लिए मैं वीडियोस इसलिए इतनी ज्यादा बनाती हूं ताकि आप बोर भी ना हो। आज आपने ये एक्सरसाइज फॉलो करी तो नेक्स्ट डे आप कोई और एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं, लेकिन रेगुलर फॉलो करें। अगर इतना भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी तो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, आप लोगों को मोटिवेट कैसे करूं कि एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को टोन करो, अपने फेवरेट क्लोथ्स पहनो और अपने आप को बहुत से बीमारियों से बचा सको। तो देरी किस बात की, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर इतनी ही स्माइल है, इतना ही अच्छा लग रहा है ईशा का बताना एक्सरसाइजेस, तो लाइक और शेयर पक्का से कर देना। तो चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये करेक्ट पोजीशन है, बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर रखिए अपना, अपनी लेग्स को आपको इस तरीके से फोल्ड करना है, पैरों को ऐसे वाइड कर लेना है। आप देख लो एग्जैक्ट पोजीशन यही होनी चाहिए, सुमो स्क्वाट्स होते हैं ये। अपने हैंड को ऐसे होल्ड कर लीजिए, देन आपको 1 2, मैं आपको साइड पोजीशन से करके दिखाती हूँ, पैरों को ऐसे खोल लेना है जितना हो सके, 3 4, अपने हिप्स को बैक ही रखना है, 5, जितना हो सके अपनी बॉडी को नीचे लेके जाइए, 6, उतना आपके इनर थाइस और थाइस पे इफेक्ट पड़ेगा, 8 9 एंड देन 10। ये बेस्ट है। अगर आपके पास कोई भी एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं तो आप सुमो स्क्वाट्स और जो भी स्क्वाट्स आपको मैं एक और नॉर्मल स्क्वाट बताऊंगी, अगर आप ये डेली फॉलो करते हैं 100 टाइम्स सुमो, 100 टाइम्स वो, तो आपकी लेग्स के साथ साथ पूरा आपका बॉडी, लोअर टेमी सब शेप में आ जाएगा। बहुत बहुत इफेक्टिव है, ट्राई करके देखेगा, उसके बाद ही कमेंट करिएगा। अब बारी आती है नॉर्मल स्क्वाट्स की, हम वो करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। आपको 10 में स्टॉप नहीं होना, आपको सुमो स्क्वाट्स के एटलीस्ट 50 टाइम्स करना है, नॉर्मल स्क्वाट्स भी आपको 50 टाइम्स करना है। अब बारी आती है थर्ड एक्सरसाइज की, जो आपसे आपकी लेग्स बहुत जल्दी शेप हो जाएगी। फ्रेंड्स, थर्ड एक्सरसाइज है लंजेस। इसके लिए आप डंबल्स ले सकते हैं, थोड़ा वेट होगा, हमारे थाइस पे, हमारी बॉडी पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है, बहुत इफेक्टिव है। आपको क्या करना है, डंबल्स लेके 1 2 3 4 5, जिनको घुटनों का दर्द है वो प्लीज मत करिएगा, ये वाली एक्सरसाइज है, कमर का दर्द है तो, 6 7 8 9 एंड देन 10। अब आपको मैं सेम अदर लेग पे करके दिखाती हूँ, आपको एक लेग आगे रखनी है, एक लेग जितना हो सके उतना पीछे रखना है, उसके बाद आपको बेंड करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। यहाँ पे आपके 10 राउंड्स कंप्लीट होते हैं। और आपको क्या करना है, इसके 10 में स्टॉप नहीं होना, इसको भी आपको एटलीस्ट 50 टाइम्स करना ही करना है। जितनी मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है, आपको सारी 50 टाइम्स तीनों एक्सरसाइज करनी है, तो ही आपकी थाइस शेप में आएंगी। फ्रेंड्स, अगर आपके पास डंबल्स नहीं है तो इसमें आप 1/2 लीटर की बॉटल ले सकते हैं, वन हैंड में, अदर हैंड में भी 1/2 लीटर की बॉटल लेके वेट लेके करेगा, उससे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारी थाइस पे, जल्दी टोन अप होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उससे थोड़ा डबल इफेक्ट पड़ता है अगर हम डंबल्स या वाटर बॉटल लेके करते हैं तो। तो चलिए, यहाँ पे आपकी सारी एक्सरसाइज कम्प्लीट होती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की मेरी एक्सरसाइजेस? अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो ऑनेस्टली सिर्फ 4 एक्सरसाइज बताती हूँ, या हार्डली अपनी हर वीडियो में 3 या 2 एक्सरसाइज बताती हूँ, बहुत ज्यादा नहीं बताती,
लेकिन आपको वो चारों फॉलो करनी है। ये मत पूछा कीजिए कि एक फॉलो कर लूँ तो चलेगा, दो फॉलो करो तो चलेगा। नहीं, आपका बॉडी वेट जितना आपने बढ़ाया है उसको रिड्यूस करने के लिए एटलीस्ट आपको वो सारी एक्सरसाइज फॉलो करनी है। जितने मैं आपको रैप्स बताती हूँ, जो करेक्ट पोजिशन बताती हूँ, आपको वो सारे फॉलो करने हैं। अगर सारे फॉलो करेंगे तो ही तो आपका वजन कम हो पाएगा ना। तो बस ऐसे ही एक्सरसाइज डेली फॉलो करिए, डेली हेल्दी डाइट लीजिए, पानी बहुत ज्यादा पीजिए, पूरा दिन गर्म पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका वेट कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिएगा।